असलम एवरी बन आई होप यू आर ऑल डूंग ग्रेट एंड एन्जॉइंग योर लाइफ वेलकम बैक टू माई चैनल ग्रो विद हीरा तो आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में जिसका नाम है रूमीज टोटर इस बेसिकली इस बुक में जो स्टोरी बयान की गई है वो रूमी की बेटी के बारे में है जो इस आ, इस बुक में जो स्टोरी रूमी की बेटी के बारे में है और ये रूमी की सगी बेटी नहीं होती हैं बेसिकली इनको अडॉप्ट किया होता है रूमी ने और रूमी कौन है ये बहुत ही फेमस पोइट हैं और इसकी आपने अक्सर ही कोटेशन्स वगैरह सुनी होंगी लेकिन इस बुक में जो के मेन करेक्टर्स हैं वो रूमी की बेटी हैं रूमी खुद हैं और शम्स है इसका जो आगाज़ होता है इस बुक का ऐसे होता है कि जो बच्ची होती है जो रूमी की बेटी होती है वो छोटी होती है और वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती है वो आम बच्चों की तरह नहीं होती है वो ज़्यादा स्परिचुअलिटी की तरफ होती है वो बचपन से ही उसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ़ होता है जो कि हम जैसे आम इंसानों का नहीं होता इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका पढ़ने की तरफ़ रुझान होता है लेकिन ये बहुत ही गरीब गाँव से ताल्लुक़ रखती है और इसके माँ बाप भी गरीब होते हैं लेकिन फिर कोई इसके बाप को कहता है कि आप इसको किसी स्कूल में एडमिशन करवा दें ताकि ये पढ़ लिख जाए क्योंकि इस बच्ची का पढ़ना ज़रूरी है इस बच्ची का रुझान पढ़ने की तरफ है इस तरह इसके अबू जो है वो इसको शहर में ले जाती हैं और रूमी जो है इस बेटी इस लड़की को अडोप्ट कर लेते हैं इस तरह से ये रूमी की बेटी बन जाती हैं इस बुक में आपको स्पेसिफ़िकली रूमी नहीं लिखा जाएगा बल्कि आपको उस्ताद के लफ से रूमी को जो है वो बयान किया गया है और इसके अलावा रूमी जो है वो ना सिर्फ इसके अबू का किरदार इस बुक में आपको नजर आएगा बल्कि वो इसके उस भी होते हैं वो इसको इल्म सिखाते हैं इसके अलावा ये है कि ये बुक जो है ये बहुत स्परिचुअलिटी की तरफ है जब वो लड़की भर जाती है बड़ी हो जाती है तो शम्स जो है वो रूमी के पास आते हैं फिर रूमी और शम्स की जो है वो स्टोरी शुरू होती है लेकिन इस बुक में आपको उस चीज़ की एक्सप्लैनेशन नहीं मिलेगी वो दूसरी बुक है जो है फ़ोर्टी रूल्स ऑफ लव उसमें रूमी और शम्स का जो ताल्लुक होता है वो कैसे मिले क्या क्या बातें होती थी और किस तरह से रूमी का और शम्स का रिलेशन था वो उस बुक में आपको मिलेगा लेकिन इस बुक में उतना ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया इस बुक में फिर क्या होता है आगे जाके रूमी की बेटी की शादी कर दी जाती है शम्स से और इस तरह शम्स और वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और इसी तरह शम्स के साथ वो एक अलग चीज़ें सीखती है वो अल्लाह तला के करीब होने का एहसास उसको शम्स के मिलने के बाद ही आता है तो अगर आप लोग की का आपको इंटरेस्ट है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें इस बुक से आपको पता चलेगा कि किस तरह आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अगर लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर और, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़